मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए आपके सेकंड चैप्टर जो पॉलिनोमियल्स है उसके कंसेप्ट लेके आया हूँ। इस कंसेप्ट को पढ़ के आप डेफिनेटली अपने स्कूल में 100 में 100 मार्क्स मैथ्स में ला सकते हैं। सारे चैप्टर्स को बस आपको समझना होगा और पढ़ना होगा। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो उसके लिए और आसान काम है, एक कमेंट कर दीजिए, मुझे मैसेज कर दीजिए। आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, माई सेल्फ दिग्विजय सिंह। आपके लिए जो लेक्चर लेकर बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इन्जॉय कीजिए, देखिए, पढ़िए, समझिए, और कोई चीज़ मुश्किल लगे तो उसको पूछिए और देखिए आप कैसे 100 में 100 मार्क्स लाते हैं अपने स्कूल में। आपने सुना है दूसरों के विषय में कि 100 में 100 नंबर आते हैं, जब आपके खुद के आएंगे तो आपको विश्वास होगा, आप देखोगे इस चीज़ को। थैंक यू। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दिग्विजय सिंह स्टार्टेड द चैप्टर ऑफ योर क्लास एंड दैट विल बी द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो बच्चों पॉलिनोमियल्स, ओके, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल्स? फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट अंडरस्टैंड द पॉइंट, व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, ओके। देन वी हैव अ कंसेप्ट अबाउट द पॉलिनोमियल्स दैट एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद whole numbers as its power is called a polynomial। मतलब बच्चों साफ है, बहुत ही साफ, बहुत आसान। क्या कि पॉलिनोमियल क्या है? तो पॉलिनोमियल क्या है बच्चों, ध्यान से समझेंगे। पॉलिनोमियल क्या है? तो पॉलिनोमियल एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अच्छा, ऐसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें होल नंबर जो है वो पावर है, होल नंबर पावर होना चाहिए, उसी को पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर आपने अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा, मुझे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं आता। तो मैं अब आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होता है कि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, तो मैं एकदम जीरो लेवल से समझा रहा हूँ, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, ठीक है, ताकि हमें अच्छी तरह समझ में आ जाए कि पॉलिनोमियल क्या होता है। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है बच्चों? अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में हम कह सकते हैं एन एक्सप्रेशन मेड विद ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स इंक्लूडिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एटसेट्रा। ठीक है, यानी बच्चों अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? तो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक एक्सप्रेशन है। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा जो बच्चों वो क्या है? अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक एक्सप्रेशन है। इट इज एन एक्सप्रेशन बेसिकली हैविंग कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स ऑल्सो इंक्लूडिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन एटसेट्रा। यानी ये है क्या, हमें यदि एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो कॉन्स्टेंट्स होने चाहिए। अब ये मन में कई बार सवाल आता है कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स को हम बच्चों अननोन भी बोलते हैं, अननोन्स, है ना। और कॉन्स्टेंट तो कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट का मतलब हो गया बच्चों कि द टर्म विच इज फिक्स्ड, और इसका मतलब हो गया द टर्म विच इज नॉट फिक्स्ड। जैसे समझने की कोशिश करें यदि हम एक एग्जाम्पल ले लें बच्चों, ना एक एग्जाम्पल ले लें एक छोटा सा। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 2x + 1 = 0, और हमने एक एग्जाम्पल ले लिया x² - 4 = 0। यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी -1/2, और यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 2 और -2। आप देखो ध्यान से, इसमें ये जो है बच्चों, ये जो है हमारा, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, और जबकि x क्या है, वेरिएबल है, ये कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो x जो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर,
ये हमारे कॉन्स्टेंट्स हो गए, टू का मतलब टू ही होता है, वन का मतलब वन ही होता है, लेकिन ये हमारा वेरिएबल हो गया। यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू -1/2 है और यहाँ पर देखो इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, तो वेरिएबल की वैल्यू बदल रही है, अलग अलग इक्वेशन में अलग अलग हो जाती है, तो ये वेरिएबल होते हैं जो बदलते रहते हैं, और जो नहीं बदलते हैं वो कॉन्स्टेंट होते हैं। कॉन्स्टेंट में आप कह सकते हो 1, 2, -1, ये सब सारे कॉन्स्टेंट्स है। वेरिएबल में एक्स, वाई, जेड और भी चीज़ें हो सकती है एक्सेट्रा, ठीक है, तो ये वेरिएबल्स है, और इन सब से मिलकर बनते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यदि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के समझने की और कोशिश करें तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या हो जाएंगे हमारे पास, जैसे कि ये हो गया 2√x + y - 3, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। x² - 5x + 6, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। y³ + 2√2y + 5, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसा भी हो सकता है। अब बात आती है पॉलिनोमियल्स की। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल आता है होता है पॉलिनोमियल्स की, कि पॉलिनोमियल्स को कैसे पहचानेंगे। तो पॉलिनोमियल्स के बारे में समझेंगे कि जैसे x² + 5x + 6 लिखा, तो यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल क्योंकि इसका जो पावर है ये डिग्री है, ये पावर है इसका, ठीक है, और ये पावर क्या है हमारे पास, होल नंबर है। यहाँ हम कह सकते हैं कि इसका जो पावर है वो होल नंबर है, पावर है होल नंबर है ना, तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। लेकिन यदि हम एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं 2√y + 3, तो इसको आप लिखने की कोशिश करोगे तो जगह 2y^(1/2+3, यहाँ पर जो बच्चों y की पावर है, देखना गौर से, ये y की पावर क्या है हमारे पास, 1/2 है, 1/2 कोई होल नंबर तो होता नहीं है। आप यदि लिखने की कोशिश करोगे तो लिखोगे इट्स नॉट अ होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है, सो नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं, कोई सा भी एक एग्जांपल, जैसे मान लो 2√2x + 3, ठीक है, तो क्या ये पॉलिनोमियल है, तो यस ये पॉलिनोमियल है। वजह क्या है इसके बच्चों, वजह इसका पावर, देखो डिग्री को हमने रेड कलर से दिखाया है, तो ये पावर वन है, वन एक होल नंबर होता है, इसलिए ये पॉलिनोमियल होगा। और हम एग्जांपल लेने की कोशिश करें तो और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे x² / x³ - 2, तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है, तो यस। क्यों है पॉलिनोमियल, क्योंकि जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये बताओ, 1x कट जाएगा x + x³ - 2, तो इसके जो डिग्रीज है, इसका डिग्री है 1, इसका डिग्री है 3, तो ये होल नंबर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल होगा। तो पॉलिनोमियल होने के लिए बस एक चीज़ ज़रूरी है कि वो उस पर एक्स यानी वेरिएबल पे जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए, तो वो पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं होगा। वह समझने की कोशिश करें, जैसे मान लो आपका ऐसा एग्जांपल आ गया, क्या एग्जांपल आ गया बच्चों, कि x² - 5x + 6/(x - 2), क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप इसको क्या करोगे, x - 2 से डिवाइड कर दिया x² - 5x + 6 को। आपको पता है पहले x लगा देंगे बच्चों, तो x² - 2x, फिर माइनस प्लस ये हो गया बच्चों 3x + 6 हो गया। अब हमने इसमें कर दिया क्या, प्लस 3 टाइम्स लगा दिया, तो 3x - माइनस था ही पहले से बच्चों, ये हमारे पास माइनस था, तो माइनस 3 लगा दिया, तो ये -3x + 6 हो गया, साइन बदल गया बच्चों, साइन बदल के कैंसिल हो गया पूरा, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, तो यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल। ये पूरा कैंसिल नहीं होता तो पॉलिनोमियल नहीं होता, ठीक है। पूरा कैंसिल होने का मतलब रिमाइंडर हमारे पास जीरो आ जाना चाहिए। जब रिमाइंडर जीरो आ गया तो हम कहेंगे कि पॉलिनोमियल होगा, रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। बहुत आसानी से हम देख के पहचान सकते हैं पॉलिनोमियल है कि नहीं है। इसके बाद अगला जो हमारा बात आती है यहाँ पे, अगली जो बात आती है वो आती है हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की डिग्री, ठीक है। डिग्री को हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं और पावर भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। तो डिग्री, पावर, एक्सपोनेंट क्या होता है, समझेंगे बातों को। द हाइएस्ट पावर ऑफ अननोन्स का मतलब हो गया वेरिएबल्स, है ना। हाइएस्ट पावर ऑफ अननोन्स वेरिएबल्स प्रेजेंट
इन द गिवन एक्सप्रेशन इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। जैसे मान लो अपने पास एक क्वेश्चन आ गया भाई कि भाई एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, इसकी डिग्री बताइए। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चों? इसकी डिग्री थ्री हो जाएगी, क्योंकि जो हाईएस्ट पावर है हमारे पास वो ये है, थ्री है, ठीक है। अच्छा, थ्री डिग्री वालों को एक नाम भी देते हैं, इसका अलग से एक नाम होता है थ्री डिग्री वालों का, इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, याद रखेंगे। अब जैसे मान लो अपने पास एक दूसरा एग्जांपल बन गया, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस वन, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चों? यहाँ पर डिग्री हो जाएगी टू, और टू डिग्री वालों का एक अलग से नेमिंग है, इसका टू डिग्री वालों का जो नेमिंग होता है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेंगे। अच्छा मान लो ऐसा हो गया बच्चों थ्री एक्स प्लस वन, तो यहाँ पर डिग्री कितनी है? वन है। यहाँ पर डिग्री हमारे पास बच्चों क्या है? डिग्री जो है वन है, और वन डिग्री वालों का जो नेमिंग होता है वो होता है लीनियर, है ना, लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा कुछ ऐसा भी हो सकता है कि मान लो आपको सिर्फ लिखा हो फाइव, फाइव लिखा हो, तो फाइव लिखने का मतलब क्या हो गया? डिग्री कुछ है ही नहीं इसकी, डिग्री जीरो हो गई। अच्छा डिग्री जीरो होने का जो मतलब होता है, डिग्री जीरो होने का मतलब होता है कॉन्स्टेंट, है ना, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, कॉन्स्टेंट हो गया, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो एक खास बात भी होगी कि कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? जीरो होती है, ये याद रखने की बात हो गई, ठीक है। अब सवाल है कि कभी कभी ऐसा दो दो वेरिएबल एक साथ दे देते हैं जी, ये बहुत खास क्वेश्चन होंगे, जैसे एक्स वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस वन, तो यहाँ पर यदि हम डिग्री को डिफाइन करने की कोशिश करें तो डिग्री क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर आप देखो कि इसमें वेरिएबल कितना है, एक वेरिएबल ये है और वेरिएबल का स्क्वायर है, मैंने वेरिएबल का क्यूब हो गया, तो यही डिग्री बताएगा। तो डिग्री कितनी हो जाएगी यहाँ से बच्चों? डिग्री हो जाएगी थ्री, ठीक है। तो ये इस तरह से हम डिग्री पहचानते हैं, ठीक है। अच्छा डिग्री के बाद जो दूसरी खास बात आती है कि यदि हमारे पास सिर्फ एक टर्म है, फाइव है, एक्स है, टू वाई है, वाई क्यूब है, तो इसको हम मोनोमियल्स बोलते हैं, मोनोमियल, है ना, मोनोमियल, एक वन टर्म, मोनोमियल का मतलब ओनली वन टर्म, है ना, ओनली वन टर्म होगा जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होगा उसको मोनोमियल बोलेंगे। अच्छा एक्स प्लस टू, वाई स्क्वायर प्लस थ्री, वाई माइनस फोर, तो इसको बोलते हैं बाइनोमियल बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल, टू टर्म्स, है ना, कंटेनिंग टू टर्म्स, दो टर्म कंटेन करेगा, ठीक है। अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स ऐसा कुछ है, या वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस वन ऐसा कुछ है बच्चों, तो इसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब होगा बच्चों थ्री टर्म्स, है ना, जिसमें थ्री टर्म्स होगा उसको ट्राइनोमियल बोलेंगे, ठीक है। लाइक ए प्लस बी प्लस सी भी बोल सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, तो ये सब ट्राइनोमियल्स है, ठीक है। और इसके आगे मोर देन थ्री वालों को, मोर देन थ्री वालों को हम बाइनोमियल, मोर देन थ्री वालों को हम पॉलिनोमियल बोल देंगे बच्चों, सीधा पॉलिनोमियल, ठीक है, मोर देन थ्री वालों को पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगली जो टॉपिक यहाँ पर इसमें आती है पॉलिनोमियल में, हमें समझने की चीज़ जो बहुत खास बात होती है कि जीरोज, या इसको रूट्स बोलते हैं, ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरोज और रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये क्या कहता है जीरोज और रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, समझेंगे बातों को, ये कहता है क्या बच्चों? तो ये कहता है आपका कि If the value of a polynomial is zero at any constant, then the constant will be treated as the zeros or roots
ऑफ दैट पॉलिनोमियल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे मान लो अपने पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, और एट एक्स इजिकल्स टू वन हमें चेक करना है, एंड द वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी वन हो जाएगा। इस वन को बच्चों यहाँ रख देंगे इसमें एक्स की जगह, पी वन हो जाएगा वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस वन, सॉल्व करेंगे बच्चों प्लस टू, सॉल्व करेंगे बच्चों वन माइनस थ्री प्लस टू, इट विल बी ज़ीरो। वैल्यू आ गई जीरो, वैल्यू जीरो आने का मतलब हेयर एक्स इजिकल्स टू वन इज द जीरो और रूट ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स, ठीक है। ये जो है ना पॉलिनोमियल पी एक्स का रूट हो गया जीरो हो गया, ठीक है बच्चों। और भी हम एग्जांपल समझ सकते हैं भाई, मान लो पी एक्स हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स माइनस वन एंड फॉर एक्स इजिकल्स टू माइनस वन, ठीक है। तो पी माइनस वन की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन का क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस वन माइनस वन, विच इज माइनस वन माइनस थ्री माइनस वन, इट विल बी माइनस फाइव, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो नहीं है। हेंस एक्स इजिकल्स टू माइनस वन इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरो नहीं है, रूट नहीं है ये, ठीक है, बहुत आसान है। ग्राफिकली आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीरोज और रूट्स, है ना, कैसे पहचानेंगे ग्राफ में, कैसे पहचानेंगे कि, तो ग्राफिकली कहता है कि हाउ मेनी टाइम्स द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल कट्स द एक्स एक्सिस विल कन्फर्म द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे मान लो हमने ये ग्राफ लिया और इसमें एक पॉलिनोमियल का ग्राफ बना दिया इस तरीके से, ठीक है। ये मान लो एक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, तो बच्चे इस पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ काट रहा है, तो एक बार यहाँ काट रहा है कि यहाँ काट रहा है कि यहाँ काट रहा है, तो ये जो जहाँ जहाँ काट रहा है यदि हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ यहाँ यहाँ, तो दीज आर द जीरोज, यही इसके जीरोज हो गए बच्चे, दीज आर द जीरोज, है ना, अल्फा बीटा गामा, देन थ्री जीरोज, है ना, तीन जीरोज आ गए, तीन रूट्स आ गए इसके। यदि मान लो कोई ग्राफ ऐसा है बच्चों कि भी मान लो किसी ने ग्राफ खींचा और ग्राफ ऐसा बन गया, तो जीरो जीरोज हो गए, जीरो जीरोज हो गए, बिकॉज द ग्राफ डज नॉट कट द एक्स एक्सिस के लाइन को काटना चाहिए। मान लो कुछ ऐसा ग्राफ है हमारे पास एक, और एक एग्जांपल समझते हैं, ढेर सारे एग्जांपल कीजिए, एग्जांपल से ही चीज़ें आती हैं, जो एग्जांपल नहीं करता उसको नहीं आती चीज़ें, ठीक है। तो मान लो ग्राफ एक ऐसा है ग्राफ, ठीक है, कि ये एक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, तो ये कितने जीरोज बियर कर रहा है, वन जीरो, ठीक है, क्योंकि एक ही बार काटा है, जो एक बार काटा है तो एक ही जीरो आएगा, ठीक है। बहुत आसानी से हम ग्राफ देख के बता सकते हैं कि भी कितने जीरोज हैं कितने जीरोज नहीं,
तो जीरो तो समझ में आ गया हमारे पास कि भी जीरोज़ क्या होते हैं। अब दूसरी जो खास बात है हमारे पास जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि नोट में इसको याद रखने की चीज़ है बच्चों, द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल कन्फर्म्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज प्रेजेंट इन इट। मतलब क्या है कि इफ हमारे पास एक ऐसा पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज बच्चों, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा जीरो नहीं हो सकते क्योंकि ये क्यूबिक है, तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा 3 जीरोज हो सकते हैं। मान लो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते क्योंकि 2 से ज़्यादा होंगे तो ये हो ही नहीं सकते क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, क्वाड्रेटिक के 2 से ज़्यादा रूट्स नहीं हो सकते। तो इस बात को बहुत अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं कि भाई कहाँ पे क्या कैसे होगा, ठीक है। अब अपने पास एक क्वेश्चन यहाँ आता है, ठीक है, क्वेश्चन आता है कि इफ एक्स इजिकल्स टू माइनस वन एंड एक्स इजिकल्स टू वन आर द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल पी एक्स इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस टू देन फाइंड 2a प्लस बी, ये क्वेश्चन आ गया अपने पास, ठीक है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, बस हल्का सा समझना है और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको कि सर वाकई में बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कैसे करना है बच्चों। पी एक्स अपने पास क्या है यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये जो दोनों दिए हैं वो जीरोज हैं। जीरोज मतलब ये कि पी माइनस वन की वैल्यू जीरो आएगी और पी वन की वैल्यू भी जीरो आएगी, ठीक है। पी माइनस वन कितना हो जाएगा यहाँ पर, ए माइनस वन का स्क्वायर प्लस बी इंटू माइनस वन प्लस टू इजिकल्स टू जीरो। दूसरा बच्चों आ जाएगा ए इंटू वन का स्क्वायर प्लस बी इंटू वन प्लस टू इजिकल्स टू जीरो, इट मीन्स ए माइनस बी प्लस टू इजिकल्स टू जीरो। एक इक्वेशन तो ये हो गया हमारे पास, और ये हो गया बच्चों ए प्लस बी प्लस टू इजिकल्स टू जीरो इक्वेशन टू। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे किया जाता है इसको यहाँ पे लिख लो, ए प्लस बी प्लस टू इजिकल्स टू जीरो, फिर दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो ये कट जाएगा आपका इस तरह से, टू ए प्लस फोर इजिकल्स टू जीरो, तो ए इजिकल्स टू माइनस फोर बाई टू इट विल बी माइनस टू, और बी आ जाएगा बच्चों माइनस ए माइनस टू यानी टू माइनस टू इट विल बी ज़ीरो। और हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड करना था 2a प्लस बी, तो 2a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू माइनस टू प्लस ज़ीरो इट विल बी माइनस फोर, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से बहुत आसानी से हम लोग इसको कर सकते हैं। ये फर्स्ट लेक्चर हमारा है, सेकेंड लेक्चर फिर हम लोग आगे इसको पॉलीनोमियल्स को समझेंगे और करेंगे।